फ्रेंड्स, समर्स में हम जब भी काजल अप्लाई करते हैं तो कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, आज मैं आपसे 3 तरीका शेयर करूंगी। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, आपकी मेकअप भी खराब नहीं होगा। तो फर्स्ट जो तरीका मैं बताऊंगी, इसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है, आप काजल अप्लाई करने से पहले आपकी फेस पर अच्छी से मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर ले। अगर आप मॉइस्चराइजर के बाद काजल अप्लाई करते हो तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लीजिए, या फिर मेकअप करने के बाद जब आपकी फाउंडेशन कॉम्पैक्ट अप्लाई हो जाता है उसके बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई करके फिर काजल अप्लाई कीजिए। इसके बाद 10 मिनट वेट कीजिए एंड नेक्स्ट आप कोई भी लूज पाउडर से आपकी अंडर आईज पर अच्छी तरह से लूज पाउडर अप्लाई कर लीजिए। इससे जितनी भी एक्सेस ऑयल होगी आपके अंडर आई पर वो बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाएगी, आपकी अंडर आई बिल्कुल ड्राई हो जाएगी एंड काजल जो है स्मज होने की चांसेस खत्म हो जाएगी, ये एरिया बिल्कुल मैट हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर लूज पाउडर अप्लाई कर लिया एज यू कैन सी। लास्ट जो स्टेप है दैट इज काजल एप्लीकेशन। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कोई भी स्मज प्रूफ काजल लेने की अच्छी क्वालिटी का एंड उसे आप बस वाटर लाइन पर अप्लाई कीजिए जस्ट लाइक दिस। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है या फिर काजल बहुत ज़्यादा स्मज होती है, जो भी तरीका अप्लाई करें उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बस वाटर लाइन पर इस तरह से काजल अप्लाई कर ले, ओनली फॉर समर्स। आप, मैं आपको यहाँ पर दूसरी आंखों पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से बोल्ड काजल अप्लाई मत कीजिए, इससे स्मज होने की चांसेस ज़्यादा होती है। आप ये, मैंने जो इस तरीके का काजल अप्लाई किया एकदम थिन लाइन, इस तरह से काजल अप्लाई कीजिए तो आपकी काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, एज इट इज रहेंगे एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। ओके, सेकेंड जो तरीका है गाइज, अगर आपने बोल्ड काजल अप्लाई कर लिया, आपको मन है कि आप समर्स में भी बोल्ड काजल अप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने काजल थोड़ा सा वाइडली अप्लाई कर लिया। इसके बाद आप कोई भी लूज पाउडर लीजिए एंड काजल के नीचे से अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट जो बहुत ही अमेजिंग तरीका है, मैं इसे फॉलो करती हूँ, दैट इज कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का आईलाइनर लीजिए। आईलाइनर लेने के बाद आपकी जो काजल आपने जहां तक अप्लाई किया है उसके नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इससे आपकी काजल बिल्कुल लॉक हो जाएगी, आपकी काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, एज इट इज रहेंगे। आप जितना देर मेकअप रखना चाहते हो उतनी देर ये स्टे करेगी, बिल्कुल भी ये स्मज नहीं होगी। तो ये एक सुपर तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है समर्स में काजल को स्मज होने से बचाने का। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो तरीका है गाइज, आपको यूज करना होगा कोई भी मैट ब्लैक आई शेडो। तो आपने काजल अप्लाई कर लिया, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए काजल थोड़ा सा थिन लाइन अप्लाई करने का, जस्ट वाटर लाइन पर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको लेना होगा ब्लैक आई शेडो, इस तरह की एक ब्रश से काजल के नीचे से आपको इस तरह से जस्ट डैब डैब करके आपको आई शेडो को इस तरह से लगा लेना होगा। इससे काजल आपकी बिल्कुल स्मज प्रूफ हो जाएगी, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं एंड ये एरिया बिल्कुल मैट रहेंगे, आपकी काजल लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। सो इनमें से आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं गाइस, तीनों ही इफेक्टिव है एंड समर्स में आप अगर चाहो तो बोल्ड काजल भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी काजल जो है बिल्कुल स्मज प्रूफ रहेंगे, वाटर प्रूफ भी रहेंगे। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।